सीधा रुक कर लेते हैं। सदन की कार्रवाई जो 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी और अब दोबारा से शुरू हो चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें। Madam Speaker, I rise to make a statement regarding the status and implementation of the recommendations contained in the 32nd report of the Standing Committee on Finance on the demand for grants for 2016-17 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Statement by Minister of Parliamentary Affairs, Ahluwalia Ji. Honourable Madam, I make a statement regarding government business during the week commencing the 28th November. तो लोकसभा की कार्रवाई अभी चल रही है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। हंगामा हुआ वहां पर विपक्ष की तरफ से, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी बार स्थगित हुई। 2:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा लगातार हो रहा है जिसमें विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पीएम कालेधन का समर्थन का आरोप कैसे लगा सकते हैं, इसे लेकर माफी मांगे। और आज संविधान दिवस के मौके पर आखिर नोट बैन को लेकर पीएम ने बयान क्यों दिया, क्यों वो संसद में बयान नहीं दे रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार हो रहा है। राज्यसभा में वेल तक जा पहुंचे थे विपक्षी नेता और इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये दूसरी बार है आज जब राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। पहले 12 बजे तक के लिए हुई और जैसे ही 12 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा जारी रहा और 2:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन लोकसभा में आज दर्शक दीर्घा में मौजूद एक लड़के ने नीचे कूदने की कोशिश की, हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस युवक को नीचे कूदने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि यह युवक संसद की कार्यवाही ना चलने की वजह से नाराज था। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी रविंद कुमार दे रहे हैं। रविंद, ये कौन युवक था जिसने कूदने की कोशिश की, विजिटर्स गैलरी में था, क्या वजह अब तक सामने आई? देखिए पूर्णिमा, राकेश सिंह बघेल उस शख्स का नाम है, बुलंदशहर के सांसद है भोला सिंह, उनके सिग्नेचर से ये पास बना हुआ था विजिटर गैलरी में उसे जाने के लिए, क्योंकि मौजूदा सांसद के सिग्नेचर के बाद ही कोई किसी का पास बनता है विजिटर गैलरी में बैठने के लिए। और जिस समय वो 11 से 12 का पास बना हुआ था, जिस समय वो गैलरी में था उसी समय ऑपोजिशन का हंगामा भी हो रहा था, सभी सांसद वेल में थे और उससे व्यथित होकर, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उससे व्यथित होकर, जो उसने बताया सिक्योरिटी एजेंसियों को, उससे व्यथित होकर वो आक्रोश में सदन के अंदर कूदने की कोशिश किया और उसे सिक्योरिटी एजेंसी ने जो वहां पर मौजूद होती है उसे पकड़ के ले जाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ब्रीच है, जो विस्टर को वहां पर केवल सदन कार्रवाई देखने के लिए भेजा जाता है, ना कि इस तरह के अपने आक्रोश व्यतीत करने के लिए। जाहिर तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फैसला अभी स्पीकर के पास गया हुआ है कि उनको कैसे किस रूप में इसे इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उससे सिक्योरिटी एजेंसी भी पूछताछ कर रही है, वाचन वार्ड भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है, क्या उसकी मंशा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पर जब आया जो अभी बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस युवक से अभी पूछताछ हो रही है। ये युवक विजिटर्स गैलरी में था, वहां से नीचे कूदने की इसने कोशिश की और अभी तक जो बात इस युवक ने बताई वो ये कि संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है और इसी वजह से वो नाराज था, जिसके बाद उसने कदम उठाया। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने इस युवक को नीचे कूदने से रोक लिया है।